हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल में। तो आज हम एक और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आ गए हैं। होप सो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज बात करते हैं एक और यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जैसे कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि यूनिवर्सिटी का नेम है मणिपाल एकेडमिक ऑफ हायर एजुकेशन, जिसे मणिपाल यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है। ये प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि मणिपाल इंडिया में है। एक सिटी का नाम है जो कि कर्नाटका में है और इसका एड्रेस है टाइगर सर्कल रोड, महादेव नगर, मणिपाल, कर्नाटका। जी हाँ, तो ये थी। और ये यूनिवर्सिटी का कैंपस मंगलोर में भी है, बेंगलोर में भी, जमशेदपुर इन इंडिया, एंड ग्लोबल कैंपस इन दुबई एंड मलेका। जी ये तो यूनिवर्सिटी के बारे में थी कुछ विकिपीडिया इंफॉर्मेशन। अब हम मेन वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। जब हम वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा सा दिखाई देगा। ऊपर अनाउंसमेंट दिया गया है, नोटिफिकेशन दिए गए हैं, फिर उसके बाद सोशल मीडिया हब दिए गए हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड लिंक मिल जाएंगे आपको। फिर लॉगिन हब है, इंफॉर्मेशन है, फैकल्टी कॉन्फ्रेंस, करंट स्टूडेंट, पेरेंट्स, एलुमिनी, जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, फिर है क्या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, फिर है अप्लाई। इसके बाद है स्टडी का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे स्टडी में अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे यूजी, पीजी, पीएचडी तक के प्रोग्राम, फिर डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट दिए गए हैं। एडमिशन का प्रोसीजर क्या, प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर कर रहे हैं, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या है, ये है। फिर इंपॉर्टेंट लिंक है, फीस का है, रिफंड इशू, स्कॉलरशिप इशू, नीट, स्टडी इन इंडिया। फिर एडिशनल लिंक, जैसे न्यू प्रोग्राम 2023 से रिलेटेड, ऑनलाइन प्रोग्राम, वेबिनार, एडमिशन प्रोस्पेक्टस वगैरह। और डेट ऑफ रिमेंबर, जी हाँ, इन्हें क्लिक करिए तो नीचे नीचे फैकल्टी का नेम दिया गया। फिर उसके बाद है डिस्कवर। डिस्कवर में वही है, यूनिवर्सिटी के बारे में, अबाउट, विजन, हिस्ट्री, लीडरशिप, फिर कौन कौन सी रैंकिंग है यूनिवर्सिटी के पास वो दी हुई है, कैंपस लाइफ, कैंपस में क्या क्या फैसिलिटी है जो हर यूनिवर्सिटी डालता है वो। उसके बाद वाई मणिपाल क्यों चुने, अदर लिंक यहाँ पे दिए गए हैं। फिर रिसर्च से रिलेटेड, इसमें पीएचडी का प्रोग्राम शायद आना, डॉक्टरेट ऑफ, डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च, ओवरऑल काउंसलिंग, तो ये सब है। वन बाय वन चर्चा करेंगे कैंपस से रिलेटेड, कहाँ कहाँ पे है कैंपस, तो ये उसके बारे में बताया गया है। मणिपाल, मैंगलोर और बेंगलुरु, ग्लोबल, दुबई, मलेशिया, और न्यूज इवेंट। तो ये सब थी जो मेन मेन्यू बार में आपको ऑप्शन मिलती है। अब इसका देख लेते हैं होम पेज। 300 से प्लस प्रोग्राम ये चलाते हैं, 30+ डिसिप्लिन्स। और नीचे आओगे तो देखोगे आप, यहाँ पे फैकल्टी वगैरह दी हुई है जिसमें हेल्थ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, फिर है ह्यूमैनिटीज, लिबरल आर्ट्स और सोशल साइंस। तो ये आप देख सकते हो। लिबरल और यहाँ पे है रिसर्च इन अवर नेचर, 37 करोड़ रिसर्च ग्रांट फॉर 2018-19 में, और 250 प्लस इंटरनेशनल कोलिब्रेशंस और 70 IPR फील्ड इन 2 ईयर्स, इंटरनेशनल कोलेबोरेशंस किस किस के साथ है वो यहाँ पे दिया गया है, जो भी इनके पार्टनर है आप देख सकते हो। और यहाँ पे इसका एलुमिनी सत्यम, CEO माइक्रोसॉफ्ट के, विकास रेनोल्ड चीफ, इशिता और राजवीर, ये इनके एलुमिनी हैं। और नीचे अगर हम बात करते हैं प्रोग्राम के, एडमिशन की डेट्स एंड डेडलाइन,
ये सब आप देख दो, टर्म एंड कंडीशन, कॉन्टेक्टस, फिर नीचे सोशल लिंक है, तो ये है सब। तो ऊपर चलते वन बाय वन चर्चा करते हैं कि क्या है कैसे है। जी तो फर्स्ट टॉपिक है UGPG से रिलेटेड। अगर आपने कोई भी कोर्स करना है, जैसे अगर हम पीजी रिलेटेड से कोर्स पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आपने किस तरह का कोर्स करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। कि मान लो अगर आपको करना है लो, तो ये किस में है, यहाँ पे ये अच्छा बना हुआ है कि अगर आपको बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं, सर्च जंक्शन में जाइए, किस में करना है वो आपके सामने आ जाएगा। या जैसे मान लो मैनेजमेंट, तो ये आपके सामने आ जाएगा किस में करना है, बीकॉम में, बैचलर इन, बीएससी में या बीबीए में, ये सब है। इसी तरह ही आगे मान लो पीएचडी में करते हैं, तो पीएचडी में इनका ओवरव्यू दिया गया है पीएचडी से रिलेटेड, तो ये पढ़ सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है पीएचडी के से रिलेटेड, चाहे वो इंडियन है या फॉरनर है, इंडियन में क्या एलिजिबिलिटी है, फॉरनर में क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सेशन कब से स्टार्ट है और कब से वो माना जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक कहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, भर सकते हो, तो यहाँ पे ये मेंशन है। और उसके बाद ये था प्रोग्राम, नीचे देखते हैं यूजी से लेके प्रोग्राम, फिर इंटीग्रेटेड या लेटरल एंट्री, वो जैसे बीटेक हो गया लेटरल एंट्री में होते हैं, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज हो गया तो वो होते हैं। प्रोग्राम की बात करें जैसे मान लो सर्टिफिकेट, तो ये भी मेरे अकॉर्डिंग वैसे ही होगा कि वो फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है एडमिशन कौन कौन से ऑफर कर रहा है, कि जैसे हेल्थ साइंस 11 स्ट्रीम में है, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी 11 स्ट्रीम में है, ह्यूमैनिटीज आर्ट्स है, तो ये 10 स्ट्रीम में है। यहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि आपको कौन सी स्ट्रीम में करना है, तो यहाँ पे ये दिए हुए हैं। फिर उसके बाद है इंटरनेशनल डोमेस्टिक या एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसेस, कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, कि अगर कोई भी नेशनल स्टूडेंट है या इंटरनेशनल है। तो ये है जो आप ये देख रहे होंगे 4 से 5 पॉइंट, ये फिर नदाई और फॉरनर के लिए हैं कि क्या क्या है, और अगर अप्लाई इंडियन या डोमेस्टिक है तो जनरल कैंडिडेट ही है, इंटरनेशनल है तो फॉरन या नदाई, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं जो अभी आपको दिखाएं। उसके बाद ये एडवाइजरी दी गई है जो भी एडमिशन को लेकर, कि क्या क्या एडवाइजरी है और क्या क्या सब्जेक्ट अवेलेबल है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद है फीस है रिफंड का, स्कॉलरशिप का, नीट का, स्टडी इन इंडिया, फिर न्यू एडमिशन 2023, यानी कि 2023 के से रिलेटेड एडमिशन स्टार्ट है, जिन सब्जेक्ट में स्टार्ट है उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आपने देखा जैसे अप्लाई ऑनलाइन प्रोग्राम ऑफर देख लिया, अगर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें तो आपको दिखाते हैं कि फॉर्म कैसे ओपन होगा। अगर आप भरना चाहो तो फर्स्टली एप्लीकेशन फ़ीस 600 पे है सभी कोर्सेज के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे PhD हो गए या कुछ एग्ज़ाम हो गए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पे हैं वो है 1400। अगर कोई फॉरनर है, NRI है, तो उसके लिए 2500 पे है एप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि जो कोर्सेज की फ़ीस यहाँ 600 है वो 2500 है। जी तो यहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकता है, रजिस्टर करने के बाद उनको यूनिक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगी, जिसके थ्रू नेक्स्ट जो भी प्रोसेस रहेगा वो कर सकता है। पहले रजिस्टर्ड का रहेगा, रजिस्टर होते ही आपकी ओटीपी जो मेल आईडी पर ओटीपी वगैरह आएगा वो रहेगा। उसके बाद फिर क्या रहेगा कि इसमें आपको पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है और फीस पे करनी है। तो ये था रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड।
एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रह गया था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का दिखा देते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम किस किस बेस पे होगा। जैसे मणिपाल एंट्रेंस एग्ज़ाम, मेट, डिपार्टमेंट टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट या नेशनल एंट्रेंस टेस्ट। तो ये कुछ कोर्सेज़ के लिए होते हैं, जैसे बीटेक, एमई, डी फार्मा, बी फार्मा, नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए या फिर पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो ये सभी कोर्सेज़ के लिए अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो स्टडी में आपने अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में देखा, प्रोग्राम, प्रोसेस, फीस, रिफंड, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। इसके बाद है कि वेबिनार का है या डाउनलोड प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं। अगर किसी को प्रोस्पेक्टस चाहिए तो यहाँ पर जाके उनको अपने पहले डिटेल भरनी पड़ेगी किस कोर्सेज़ के लिए चाहिए। तो जैसे ये डिटेल भरेंगे तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्कवर। डिस्कवर में क्या है, हिस्ट्री बताई गई है, विजन मिशन लगभग सेम ही रहेगा। हिस्ट्री हम पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत। एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, 1953 में ये स्टार्ट हुई थी। सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज है, ऑफ द एस्टेब्लिश कोलेबोरेशन मॉडल ओवर द ईयर इंस्टीट्यूट एडिड एंड फाइनली डिक्लेयर। इनका पहले कॉलेज था, इनके अकॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज था 1953 में, फिर इन्होंने डिसाइड किया 1993 में, लगभग लगभग 40 साल बाद। तो यूनिवर्सिटी का तीन सौ से ज़्यादा प्रोग्राम है, 31+ स्ट्रीम है यहाँ पे। तो ये था हिस्ट्री के बारे में, बाकी आप पढ़ सकते हो। लीडरशिप आपको दिखा देते हैं, जो मेन मेन पॉइंट है जो आपके काम आ सकते हैं, मैं वो आपको बता दूँ, बाकी आप पढ़ सकते हो। जो चांसलर हैं इसी यूनिवर्सिटी के, वो है डॉक्टर रामदास जी। और ये जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो इन्होंने दिया है, या प्रेसिडेंट कहें, तो डॉक्टर राजन जी हैं। प्रो चांसलर हैं डॉक्टर हैबरी जी, और वाइस चांसलर हैं लेट डॉक्टर एमडी वेंकटेश जी। तो बाकी डिपार्टमेंट वाइज आप देख सकते हो यहाँ पे दिए गए हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने दिए गए हैं, तो इसके बारे में अगर आप देखना चाहो देख सकते हो। तो आगे हम बात करते हैं, लीडरशिप आपको दिखा दिया, एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप कुछ है तो आपको दिखा देते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे फैसिलिटीज बताई है कि हमारे यहाँ कौन कौन सी फैसिलिटी है। और उसके बाद रैंकिंग, नेक, NIRF, ARIIA, तो ये रैंकिंग है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो फिर कैंपस लाइफ जो जो है कि नोटिफिकेशन, हॉस्टल, कैंपस अराउंड, स्टूडेंट अफेयर, क्लब एक्टिविटी, ये सब है। फिर सेंट्रल इस्टेब्लिश अंडर या इनोवेशन, ये सब दिया गया है। उसके बाद है, तो ये था मेन मेन पॉइंट, आगे अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। मैंने आपको मेन मेन टॉपिक कवर अप कर दिए हैं जी। तो उसके बाद है डॉक्टरेट ऑफ रिसर्च, तो उसके बाद है द लास्ट सिक्स ईयर हैव सीन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग। जी तो इसके बारे में बताया गया, रिसर्च के बारे में, तो ये भी आप पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो। इसमें थियोरेटिकल है और बहुत ज़्यादा डीप में दिया गया है, इसमें आप चेकआउट कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी,
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिस और वेबसाइट का है ग्रांट ऑफिस ओवरव्यू, कौन कौन से ऑफिस ग्रांट कर रखे हैं। तो ये था रिसर्च से रिलेटेड, उसके बाद एक फिर से कैंपस में कहाँ कहाँ कैंपस है तो यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हो दुबई। उसके बाद है न्यूज एंड इवेंट, जो भी ब्लॉग डाल रखे हैं या उससे रिलेटेड कोई भी फंक्शन हुआ है या कोई भी अपडेट हुई है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। और यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम 31 मार्च 2023 को है, ये 24 मार्च को जो प्रोग्राम होना है, और ये सब यहाँ पे है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये थे कुछ मेन, और ऊपर लिंक वगैरह है लॉगिन, अगर कोई भी स्टूडेंट है तो आपको प्रोग्राम के बारे में बताया, एडमिशन प्रोसेस, डेडलाइंस हो गए, फिर रिसर्च कोलेबोरेशन, ये रिसर्च का कॉलम हो गया, अबाउट अस आपको बता दिया, करियर जो ऊपर है यहाँ पे भी है अगर हम देखें तो। अब यहाँ पे एप्लीकेशन है फैकल्टी फॉर रिसर्च पोजीशन या नॉन एकेडमिक पोजीशन, ये या तो नॉन एकेडमिक या फैकल्टी या रिसर्च पोजीशन के बारे में अगर कोई भी करना चाहता है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। लीडरशिप तो यही आपको दिखाया था, वही सेम पेज ओपन हो गया कि जो भी अथॉरिटी के बारे में है। तो बाकी जो भी रैंकिंग वगैरह मिली हुई है वो है टर्म एंड कंडीशन, कॉन्टेक्टर्स, एप्लीकेशन स्टेटस, अगर किसी ने देखना हो तो, कि अगर देखना है तो फिर वही है, वही प्रोसीजर रहेगा, रजिस्टर या लॉगिन जो आपको बताया, और उसके साथ साथ डाउनलोड प्रोसेस, और जैसे अप्लाई फॉर एडमिशन, अप्लाई एडमिशन करते हो तो वही रजिस्टर्ड वाला लिंक खुलेगा, वहाँ पे पहले रजिस्टर्ड, फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल जो भी है रजिस्टर करोगे तो वेरीफाई होगा, उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल डॉक्यूमेंट अपलोड करने और फीस पे करनी है, तो ये सब रहेगा। और फिर प्राइवेट कुकीज, जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो आपको बता दी कि कहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे, क्या क्या फीस है, वो आप जाके देख सकते हो। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। आज के लिए इतना ही था, कुछ और टॉपिक रह गए हो जो क्लियर नहीं हो पाए हो तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आगे की इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी अगर आप चाहोगे तो। और प्लस इसके साथ साथ इसमें हम सब, क्योंकि ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं बनाते क्योंकि कई बार टाइम को भी ध्यान में रखा जाता है, अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफाइड टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर कोई और टॉपिक से रिलेटेड आपको चाहिए या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो कमेंट कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल से ऐसे वीडियो चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर विजिट। और लास्ट में आपको जैसे दिखाया इसमें था एक ऑप्शन जो रह गया था कॉन्टेक्टर्स का, अभी आपको फिर भी मैंने बाहर दिखा दिया था लेकिन यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि क्या है, फिर भी अगर आपको चाहिए हो तो यहाँ पे मणिपाल, कर्नाटका, कर्नाटका लीडरशिप, कर्नाटका का एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे ये दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो कॉन्टेक्ट अस में अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। तो आज के लिए इतना ही था।